देख रहे हैं satyahindi.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के फैसले का विरोध करते हुए इस्तीफा दिया। अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफे में लिखा कि कांग्रेस की दिल्ली यूनिट उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कि कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बनी है। इसके बावजूद दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। आपको बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और गठबंधन के तहत दोनों पार्टियां दिल्ली में साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी 4 तो कांग्रेस के हिस्से में 3 सीटें आई हैं। देश के चुनावी माहौल में राजनेताओं की तीखी जुबानी जंग जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी का 24 सेकंड का एक वीडियो क्लिप एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वह चाहते थे वह कर देते थे, किसी की जमीन चाहिए होती थी वह उठाकर ले जाते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आज़ादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और देश को संविधान दिलवाया। अब उनके इसी बयान को लेकर अमित मालवीय ने हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी को इस आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए तुरंत राजपूत समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले बीजेपी नेता पुरुषोत्तम रूपाला ने भी राजपूत समाज को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से राजपूत समाज में आक्रोश छाया हुआ है। हालांकि पुरुषोत्तम रूपाला ने बाद में अपनी टिप्पणी पर माफी मांग ली। दक्षिणी राज्य कर्नाटक से महिलाओं संग यौन अपराध का मामला सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के हासन जिले में कुछ आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं जिसमें महिलाओं के साथ जबरदस्ती या बिना इजाजत यौन संबंध बनाए गए हैं। इन वीडियोस को लेकर कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने मामले पर आपत्ति जताते हुए एक्शन की मांग की थी। आयोग की तरफ से मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखकर कहा गया कि उनकी सरकार मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित करे। आयोग ने मुख्यमंत्री के अलावा राज्य पुलिस प्रमुख आलोक मोहन को भी एक चिट्ठी लिखी थी। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक हजारों महिलाओं के साथ यौन अपराधों को अंजाम दिया गया है। इन घिनौने कामों को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड भी किया गया ताकि महिलाओं को ब्लैकमेल किया जा सके। कर्नाटक के हासन जिले से सामने आए महिलाओं संग अपराध के मामले पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक्शन लेते हुए SIT गठित करने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सेक्स स्कैंडल में हासन से JDS सांसद प्रज्वल रेवन्ना का नाम भी सामने आया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक पुलिस को जानकारी है कि प्रज्वल रेवन्ना शनिवार को जर्मनी के फ्रैंकफुर्ट शहर रवाना हो गए। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार CM सिद्धरमैया ने एक बयान में कहा कि प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो के मामले में सरकार ने SIT बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हासन में आपत्तिजनक वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया है। इस संबंध में महिला आयोग की अध्यक्ष ने सरकार को SIT जांच कराने के लिए चिट्ठी लिखी थी, इसलिए यह फैसला उनके अनुरोध के जवाब में लिया गया है। बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना JDS प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री HT देवेगौड़ा के पोते हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान पर तीखा पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि मीडिया में खबर आ रही है कि इंडिया एयरलाइंस 5 साल में 5 अलग अलग प्रधानमंत्री बनाएगा। संजय राउत ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि इस देश में 10 साल से एक तानाशाह राज कर रहा है, उससे अच्छा है कि देश में एक मिलीजुली सरकार बने। हम 2 प्रधानमंत्री बनाएं या 4, यह हमारी मर्जी है, लेकिन इस देश को तानाशाही की ओर हम नहीं जाने देंगे। राउत ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन 300 पार कर रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच की SIT ने एक्टर साहिल खान को गिरफ्तार कर लिया है। साहिल खान को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक साहिल खान पर बैटिंग साइट चलाने और बैटिंग प्रमोट करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि मुंबई के माटुंगा पुलिस की महादेव बैटिंग ऐप केस की जांच में साहिल खान का नाम आया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलने पर साहिल खान मुंबई छोड़कर फरार हो गए थे। लगभग 40 घंटे पीछा करने पर पुलिस ने साहिल को पकड़ लिया। मुंबई की उत्तर मध्य सीट से BJP ने वकील उज्जवल निकम को उम्मीदवार बनाया है।
बता दें कि उज्जवल निगम मुंबई में 26/11 को हुए हमले के मामले में सरकारी वकील थे। वह 1993 सीरियल बम ब्लास्ट मामले में भी अभियोजन टीम का हिस्सा थे। इसके अलावा गुलशन कुमार हत्याकांड में भी वो अभियोजन टीम का हिस्सा थे। वहीं अब बीजेपी द्वारा लोकसभा का टिकट मिलने पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज तक मैं कानून की लड़ाई लड़ रहा था, अब मुझे पीएम मोदी की वजह से लोकतंत्र के मंदिर संसद में जाने का मौका मिल सकता है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी दूसरी पारी शुरू करने जा रहा हूं। इराक की संसद में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला बिल पास हो गया है। इस बिल में समलैंगिक संबंध रखने पर 10 से 15 साल तक की सजा का प्रावधान है। नए कानून के तहत ट्रांसजेंडर्स को भी 1 से 3 साल के लिए जेल भेजा जा सकता है। इस नए कानून के समर्थकों का मानना है कि इससे देश में धार्मिक मूल्यों को कायम रखने में मदद मिलेगी। वहीं इस बिल का विरोध करने वाले समूहों का कहना है कि इराक इस कानून के जरिए LGBT समुदाय के अधिकारों का हनन जारी रखेगा। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि पीएम नरेंद्र मोदी परेशान है और बीजेपी घबरा गई है। आज रविवार को उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान यह बातें कहीं। आप नेता ने कहा कि उनके कैंपेन में घबराहट साफ छलक रही है। जब कैंपेन शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मेरा 2048 का रोड मैप है, मैं 20 साल में ये करूंगा, 400 पार जाने के बाद मैं इस तरह देश को आगे ले जाऊंगा। लेकिन अब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि विपक्ष आ गया तो ऐसा होगा। इसका मतलब पीएम मोदी को मालूम चल गया है कि विपक्षी दल आ रहे हैं और ये देश को समझ में आ रहा है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अनुराग ठाकुर के भाषण पर संज्ञान लेने और उनके खिलाफ तुरंत नोटिस जारी करने की मांग की। दरअसल अनुराग ठाकुर ने कल शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी के बयान को दोहराते हुए दावा किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वह आपकी संपत्ति मुसलमानों को दे देगी। वहीं अब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अनुराग ठाकुर के बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नक्शे कदम पर चलते हुए बेहद अपमानजनक भाषण दिया। उनका भाषण चुनाव आयोग के आदर्श आचार संहिता के अलावा शालीनता और सच्चाई के सभी स्टैंडर्ड का भी उल्लंघन करने वाला है। जयराम रमेश ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को भाषण का संज्ञान लेने और अनुराग ठाकुर को तुरंत नोटिस जारी करने के लिए पत्र लिखा है। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि आयोग को यह समझना चाहिए कि सही ढंग से कार्रवाई नहीं होने के कारण इन्हें ऐसे भाषणबाजी करने की हिम्मत मिल रही है। अगर वे कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम जनता के सामने और अदालतों में इन्हें घसीटते रहेंगे, जो समझते हैं कि वे कानून से ऊपर हैं। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कर्नाटक को सूखा राहत कोष जारी करने पर सहमति जताई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आपदा राहत कोष के लिए फंड जारी करने पर सहमति जताई है। राज्य को सूखा राहत के लिए 3,498.82 करोड़ रुपए मिलेंगे। हालांकि इस अमाउंट को उन्होंने जरूरत से बहुत कम बताया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि शायद भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि किसी राज्य को अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की घंटी बजने के बाद फ्री मंत्री की नींद खुली है, लेकिन ये फंड भी पर्याप्त नहीं है। CM सिद्धरमैया ने दावा किया कि राज्य ने 18,000 करोड़ रुपए मांगे थे और केवल 3,498.82 करोड़ रुपए मिले हैं। यह बेहद कम है। संदेशखाली मामले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। इस बीच शुक्रवार को CBI ने शाहजहां के एक सहयोगी के 2 ठिकानों पर छापेमारी की, जहां से जांच एजेंसी को हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। इसमें एक पुलिस सर्विस रिवॉल्वर और विदेशी बंदूकों सहित जिंदा बम भी थे। इन बमों को डिफ्यूज करने के लिए NSG की टीम पहुंची। उन्होंने कैलिबर रॉबर्ट के जरिए बमों को खोजा और डिफ्यूज किया। वहीं अब मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने जांच एजेंसी पर चुनाव के समय पार्टी को बदनाम करने के लिए अति सक्रियता का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि संदेश खाली में हथियार जब्त करने का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि CBI ने राज्य पुलिस को सूचित किए बिना तलाशी ली। CM ममता ने CBI की कार्यवाही पर संदेह व्यक्त करते हुए आगे कहा कि बरामद हथियार CBI के अधिकारियों ने ही कार में लाकर रखा होगा।
उन्होंने कहा कि अगर बंगाल में कोई पटाखा भी फूटता है तो NIA, CBI, NSC जांच करने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि युद्ध चल रहा है। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस जारी है। इस बीच कल शनिवार को कांग्रेस की चुनाव समिति की एक बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के अन्य बड़े नेता शामिल रहे, लेकिन इन दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला नहीं हो सका। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अमेठी और रायबरेली की सीटों पर उम्मीदवार के नाम पर मंथन हुआ, लेकिन उम्मीदवारों के नाम पर मुहर नहीं लग सकी। बैठक में समिति के सदस्यों ने अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का अनुरोध किया। हालांकि फैसला कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ा गया है। सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की इन दोनों सीटों पर एक दो दिनों में ऐलान संभव है। बीजेपी के बीकानेर से अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष उस्मान गनी को कल शनिवार सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दो दिन पहले उनके घर के पास पुलिस की गाड़ी गई थी, तब वह दिल्ली थे, लेकिन कल शनिवार को वह थाने आए और बैरिकेडिंग कर रहे पुलिस कर्मियों से उलझ गए, जिसके बाद उस्मान गनी को CRPC की धारा 151 यानी शांति भंग के तहत गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि दो दिन पहले पुलिस की गाड़ी उस्मान के घर के पास क्यों गई थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि तीन दिन पहले एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान उस्मान गनी ने प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद बीजेपी द्वारा उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। दरअसल उन्होंने एक चैनल से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर कहा था कि मुझे उनका स्टेटमेंट अच्छा नहीं लगा, यह अकेले नरेंद्र मोदी की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से सैकड़ों मुसलमान जुड़े हुए हैं। उन्होंने आगे कहा था कि मैं प्रधानमंत्री को भी मेल लिखने वाला हूं कि इस तरह की वाहियात बातें ना करें तो बेहतर है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हेलीकॉप्टर में चढ़ते दौरान बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर गईं, जिसकी वजह से उन्हें मामूली चोटें आई हैं। वहीं अब इस मामले को लेकर भी पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने ममता पर तंज कसा है। समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के पार्टनर हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल के साथ अधिकतर TMC नेता जेल में बंद हैं, इसलिए उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कभी उनके सिर पर चोट लग जाती है या फिर कभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हम लोग बहुत चिंतित हैं, हम बस चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।